Hi guys, this is Anikar Rao from Genealogy Channel. Don't mug up, try to build up and rationalize logical state. जी तो हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस को, तो देख सकते हैं आप टाइप ऑफ मशीन ड्राइंग और फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द प्रीफर्ड साइज ऑफ द ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय, द प्रीफर्ड साइज ऑफ जो ड्राइंग शीट है रिकमेंडेड इसके द्वारा किया जाता है जी, तो BIS के द्वारा किया जाता है। आपको पता है ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर ESME, अमेरिकन सोसाइटी फॉर द टेस्टिंग एंड मटेरियल ESTM, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होता है जी, BIS को प्रीफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जी, अनट्रिम साइज ऑफ द सीट 240 एंड 330। तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर जो है सी दिया है, A4 साइज की बात किया जाए तो अगर ट्रिम्ड है तो कितना होता है जी, 297 होता है, कितना होता है जी 297 होता है। तो अगर इससे ही ट्रिम्ड अनट्रिम्ड क्या होगा, इससे बड़ा होगा जी, तो थोड़ा सा देखिए बड़ा है, आप 30 यूनिट इसमें लगभग बड़ा है, तो आप क्या है जी अनट्रिम साइज A4 का क्या है ये साइज है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, SP 46 2003 रिकमेंडेड द बॉर्डर ऑफ -MM विड्थ ऑफ द साइज A0 and A1 एंड -MM ऑफ द साइज A2, A3 and A4। मतलब है कि A0 और A4 का विड्थ क्या होगा जी, और उसके बाद A2, A3, A4 का विड्थ क्या होगा, तो इसके लिए आपको दिया गया है जी, आप देख सकते हैं 20 एंड 10 दिया है, क्या दिया जी 20 एंड 10 दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 20 mm की ठीक विड्थ किसकी होनी चाहिए जी, तो A0 और A1 की होनी चाहिए, और 10 mm की विड्थ किसकी होनी चाहिए, A2, A3, A4 एंड A5 की होनी चाहिए, BIS SP 46 के द्वारा मेंशन है जी। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिएंटल मार्क, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा जी, तो ऑप्शन बी है, आप देख सकते हैं बोला रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन टू विच सीट इज प्लेस्ड, रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन में ना जिस पे जैसा रख देंगे वैसा इसमें डायरेक्शन हो जाएगा जी, उसका क्या होता है स्पेशल मार्किंग होता है, प्रॉपर मार्किंग होता है। जैसे ऑप्शन क्या है जी, आपको ऑप्शन A, C और D सही है कैसे देखते हैं, ओरिएंटेशन मार्क कौन साइड विथ वन ऑफ द सेंटरिंग मार्क, हाँ बात की जाए तो लेफ्ट साइड और बॉटम का जो सेंटरिंग मार्क होता है क्या होता है उससे जी, आपको ओरिएंटेशन मार्क क्या करता है जी, सेंटरिंग मार्क जो बॉटम में होता है उससे क्या करता है, कोइंसाइड करता है जी, तो वही बोल रहा है ऑप्शन में सी देख सकते हैं जी, ओरिएंटल मार्क्स कैन बी यूज फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ड्रॉइंग शीट ऑन ड्रॉइंग बोर्ड, हाँ जी, तो ड्रॉइंग बोर्ड पे क्या होता है ड्रॉइंग शीट को मार्क के लिए क्या है उसका ओरिएंटेशन बताने के लिए किया जाता है जी, फैसिलिट पोजिशन ऑफ ड्रॉइंग फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, देखिए और क्या होता है पोजिशन बताता है जी, जैसे मान लीजिए जो भी प्रोडक्शन करना है किस डायरेक्शन में कौन सा होगा ये तो उसको मेंशन करना पड़ेगा ना, तो इसी लिए डी भी क्या है जी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था जी। अगले क्वेश्चन बोलते हैं साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक क्या होता है, तो साइज क्या होता है टाइटल ब्लॉक का जी, तो आपको पता है उसका लंबाई कितना होता है जी 185 होता है और चौड़ाई कितना होता है 65 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 185 एंड 65, क्या हो जाएगा जी 185 एंड 65 क्या हो जाएगा जी, ये बेस के द्वारा बताया गया है और ये बताया जा रहा है 25 mm से 10 mm क्या है जी स्केल फॉर ड्रॉइंग शीट, किसके लिए है जी ड्रॉइंग शीट जो होता है 25 mm से 10 mm है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, बोला है विद इन द टाइटल ब्लॉक देयर विल बी सो मेनी सेक्शन डिवाइड लाइक ए नेम, नेम ऑफ फॉर्म, ड्रॉइंग शीट, टाइटल, पर्पस क्या है जी, आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, कौन सा पेज है, ये सब क्या होता है जी मेंशन करना पड़ता है। टाइटल ब्लॉक ऐसे बनाया जाता है कि अगर पहली बार हम उसको ओपन करेंगे तो हमको क्या दिखेगा जी टॉपिक दिखेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्या है जी ड्रॉइंग शीट है। क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोल्डिंग मेथड फॉर फोल्डिंग ऑफ वेरियस साइज ऑफ ड्रॉइंग शीट, तो ड्रॉइंग शीट के फोल्डिंग करने का मेथड क्या है जी, इसको बताना है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है क्या है जी बी ऑप्शन सही है, तो कितने मेथड है जी दो मेथड है, पहले मेथड में क्या है जी 297 × 180 है, फोल्डेड साइज क्या है जी 297 × 190 है, और दूसरे में क्या है 297 × 210 है जी, तो यहाँ 190 है 297, आपको याद होगा कि A4 शीट का क्या होता है जी 210 और 297 होता है, देख सकते हैं, तो इसे मैनेज कर गया और यहाँ पे क्या कीजिए एक में 20 क्या कीजिए कम कर दीजिए 190 हो जाएगा जी, तो यहाँ से आप याद रखीजिए कितने मेथड है जी साइज को, तो दो साइज है मेथड है जी, इसमें देख सकते हैं दोनों मेथड में साइज आप देख सकते हैं जी, और उसी के आधार पर क्या किया फोल्ड किया जाता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग अगले क्वेश्चन 7 पे आते हैं, बीच ऑफ फ्लोइंग रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है जी, जिसका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन जो होता है यानी RF फैक्टर जो होता है, RF जो होता है यानी
तो क्या होना चाहिए, वन से छोटा जो, वन से छोटा किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी। अब उसको सॉल्व कीजिएगा, दिखेगा वन से छोटा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। अगर वन से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इनलार्जिंग हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है जी, वन से छोटा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये बोल रहा है इनलार्जिंग, तो क्या है, फॉल्स है। आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। टेस्ट दिस इज नॉट एसेंशियल थिंग फॉर फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आपको पता है कि सॉफ्टवेयर पेंसिल तो चाहिए, रबड़ भी चाहिए जी, पेपर इन फॉर्म ऑफ स्केच बुक और पैड। हाँ, पेपर तो चाहिए जी, स्केच बुक और पैड के फॉर्म में। फ्रेंच कर्व ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमको फ्री हैंड के लिए चाहिए जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं, फ्रेंच कर्व इज यूज फॉर ड्रॉइंग कर्व विच कैन नॉट बी ड्रॉन इन द कंपास, ड्रॉन विथ अ कंपास। जो कंपास नहीं ड्रॉ किया जाए वही है। सिंस वी आर नॉट मेकिंग द रफ स्केच फॉर आवर ड्रॉइंग बोर्ड बिफोर फॉर द एक्चुअल ड्रॉइंग, देयर इज नो नीड ऑफ फ्रेंच कर्व। रिमेनिंग द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्केचिंग है, और बाकी सब क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 10, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है सही है जी, मतलब बी ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। बोल रहा है एक्सप्लोडेड असेंबली, चलिए ई ऑप्शन देख लेते हैं, ड्रॉइंग फॉर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। देखिए ड्रॉइंग फॉर इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या होता है, असेंबली ड्रॉइंग विदाउट डायमेंशन, डायमेंशन के विदाउट किया जाता है। इस ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, क्या होता है जो वर्किंग प्रिंसिपल ईच पार्ट का बताता है। बात करते हैं ड्रॉइंग कैटालॉग क्या होता है, स्पेशल प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ कैटालॉग ओवरऑल एंड प्रिंसिपल डायमेंशन। मतलब क्या है जी, ओवरऑल डायमेंशन क्या होगा, कैटालॉग क्या होंगे, उसमें क्या क्या रखे जाएंगे, वो ड्रॉइंग ऑफ कैटालॉग बताता है। पैटर्न ड्रॉइंग क्या बताता है, इट इज जनरली असेंबली ड्रॉइंग आइदर इन पिक्टोरियल फॉर्म और प्रिंसिपल व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ मशीन। पैटर्न ड्रॉइंग क्या बताता है जी, ये आपको बताता है कि असेंबली ड्रॉइंग किस में किया जाएगा, पिक्टोरियल में किया जाएगा, पिक्टोरियल व्यू में किया जाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ मशीन, ये सब के बारे में बताता है। आते हैं जी बी में, एक्सप्लोडेड असेंबली ड्रॉइंग क्या है जी, दिस टाइप ऑफ असेंबली ड्रॉइंग इज यूज फॉर एक्सप्लेनिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन। वर्किंग प्रिंसिपल तो किसमें था जी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में था, तो ये गलत हो जाएगा असेंबली ड्रॉइंग। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द स्टेटमेंट रिफर फॉर फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जी, ऑप्शन डी बता रहा है। देखिए कहने का मतलब कौन से पहले काम करेंगे जी, तो पहले इसमें देखिए क्या करेंगे जी, हम आपको होल्ड द पेंसिल अबाउट 30 mm डिस्टेंस फ्रॉम द लीड। बोला है 30 mm डिस्टेंस से लीड से क्या करेंगे जी, होल्ड करेंगे। उसके बाद जैसे होल्ड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, स्विंग इट्स लेफ्ट राइट, उसके बाद लेफ्ट राइट उसको क्या करेंगे जी, आगे पीछे करके उसको लिखेंगे जी पेंसिल से। उसके बाद फर्स्ट बोला है देन बिगिन टू ड्रॉ द लाइन एंड शॉर्ट एंड लाइट स्ट्रोक। बोला उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे विथ शॉर्ट एंड लाइट स्ट्रोक वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे जी। उसके बाद बोला है थर्ड फिनिश फाइनली विथ डार्क एंड फॉर्म लाइन। उसके बाद जब फिनिश हो जाएगा उसको डार्क और फॉर्म लाइन से क्या करेंगे जी, फाइनल कर देंगे ड्रॉइंग को। 12 नंबर है, ये सेम क्वेश्चन है जी, 11 जैसे ही। बोल रहा है कि इसको अरेंजमेंट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है जी, पहला है, तो पहला में देखिए क्या है जी, फर्स्ट में क्या है जी, पहले मेक द सेंटर थ्रू इट ड्रॉइंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सेंटर लाइन। ड्रॉइंग और हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन क्या है जी, पहले इसको बनाइए। उसके बाद क्या करना है जी, एड 4 रेडियल लाइन बिटवीन देम। उसके बाद 4 रेडियल लाइन ड्रॉ किया जाता है जी, इधर किया जाता है, इधर किया जाता है, इधर किया जाता है, इधर किया जाता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ है मार्क पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑफ रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या कीजिए जी, रेडियस डिस्टेंस पे मार्क कीजिए इसको। उसके बाद थर्ड बोला पेपर में भी रिवॉल्व आफ्टर अबाउट ईच क्वार्टर सर्कल ऑफ इजी रिस्ट मोशन वाइल ड्रॉइंग। उसके बाद बोला है कि रिवॉल्व कीजिए ईच क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल कीजिए जब क्या हो जाए, रिस्ट मोशन की जब जरूरत हो ड्रॉइंग, यानी आपको क्या हो गया जी, हाथ में अगर क्या है लेकर जाना है तो आप क्या कीजिएगा जी, रिस्ट मोशन के लिए यानी हाथ में मोड़ के लिए जाना है तो उसमें क्या कीजिएगा, उसको मोड़ना पड़ेगा जी, फाइनली आपको ये करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए यहाँ तक हो गया जी। तो अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपने जिसने भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद बता देना चाहूँगा इंजीनियरिंग का अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाले देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट है सर ये टॉपिक पढ़े, तो मैं बता देना चाहूँगा कि फालतू टॉपिक मत पढ़िए, जो टॉपिक आपको लगता है कि आएंगे वो उतना ही काफी है जी, बहुत ज़्यादा है सिलेबस, आपको भी पता है बहुत कम उम्र के आने वाले हैं, तो इधर से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।